Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. 11th class topic, journal. Question number 11, जो journal का दे रखा है, journalize the following transaction in the books of Himanshu. तो आपको सबसे पहले journal का format बनाना है. ऊपर होगा heading, journal of Mr. Himanshu. Date, particular, LF. डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के दो कॉलम. डेट कॉलम में जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन होता है उसकी डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे. डेट रिकॉर्ड करने की जो मेथड है, आपको सबसे पहले ईयर लिखना है 2017. फिर आपको जो डेट दे रखी है उसमें दिसंबर फर्स्ट तो आएगा मंथ, फिर आएगी डेट. अब आपको सेकेंड काम जो करना है वो है ट्रांजेक्शन को पढ़ना है. जैसे ट्रांजेक्शन लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें आपके दो आइटम होंगे. आपको सबसे पहले उन दो आइटम को पता करना है. अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश तो क्लियर दे रखा है. दूसरा, आपको जब मैंने टर्मिनोलॉजी वर्ड बताई उसमें बताया था कि इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. जब भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा आप लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं. तो यहाँ यही है, बिजनेस स्टार्ट करें और पैसा इन्वेस्ट करें तो वो दूसरा आइटम होगा कैपिटल. अब पहला काम ये, दूसरा काम होता है कौन से अकाउंट है. आपको अकाउंट का पता करना है. अकाउंट तीन होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. कैश एसेट्स है, एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं सारे रियल अकाउंट होते हैं. कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है. तो ये है आपका पर्सनल अकाउंट. इसके बाद आपको क्या करना है, इसके रूल्स क्या है वो रूल्स पता करना आपको. तो रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब यहाँ कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है ये अपने को देखना है. जब बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा. जब कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं. अब सिंपल सी बात है, दो आइटम में एक पता लग गया डेबिट है, दूसरा अपने आप क्रेडिट होता है. फिर भी ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बिजनेसमैन कैपिटल क्या कर रहा है, गिव कर रहा है. बिजनेसमैन कैपिटल क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, और गिवर इसलिए वो क्रेडिट है. अब इसकी एंट्री बन गई. इस एंट्री को आप लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट. देखिए तरीका ये. अब सेकेंड जो क्रेडिट होता है उसके आगे लिखा जाता है टू, और वो टू जो होगा वो कैश से थोड़े से पीछे की तरफ लिखा जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट के पीछे हम क्रेडिट नहीं लिखते, डेबिट के पीछे डेबिट लिखा जाता है, क्रेडिट के आगे टू लिखा जाता है. ये उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे अमाउंट दे रखा है 75,000. डेबिट का अमाउंट डेबिट में इसके सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में इसके सामने 75,000. फिर लिखा जाता है इसमें नरेशन. नरेशन ये शो करता है कि ट्रांजेक्शन क्या है, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन को नरेशन बोलते हैं. बींग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बींग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो गया आपका एक. जैसे एक ट्रांजेक्शन खत्म हुआ पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन बना लेंगे ताकि पता लग जाए एक एंट्री हमारी हो चुकी है. सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश December 7, परचेज गुड्स फॉर कैश. तो एक तो हो गया परचेज, एक तो क्या आइटम हो गया परचेज. जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट ओपन होता है. दूसरा, कैश में परचेज करें तो ये हो गया कैश. अब परचेज भी जो है गुड्स है और ये रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल्स, ये भी रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट. बिकॉज ऑफ ये गुड्स है तो अपनी एसेट्स होती है स्टॉक, और ये जो है कैश ये भी अपनी एसेट है, दोनों रियल है. अब रियल का रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा इसलिए डेबिट, और कैश जाएगा इसलिए क्रेडिट. एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर लिखेंगे आप नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड. अमाउंट आपको जो दे रखा है 10,000, डेबिट का अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में. थर्ड जो दे रखा है आपको ट्रांजेक्शन,
वो लिखा है गुड्स सोल्ड टू स्वाति और डेट दे रखी 9। अब लिखा है गुड्स सोल्ड टू स्वाति, तो एक तो स्वाति है और दूसरा जब हम गुड सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है, परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, सेल करेंगे सेल्स अकाउंट। स्वाति पर्सनल अकाउंट है, सेल्स रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, यहाँ जब आप गुड सेल करेंगे तो स्वाति को रिसीव होगा इसलिए स्वाति डेबिट, और गुड्स क्या होगा गोज आउट इसलिए क्रेडिट बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट है। अब आपकी एंट्री हो जाएगी स्वाति इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। अब यहां नाम क्यों आया, क्योंकि कैश नहीं दे रखा है और जब कैश नहीं होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, क्योंकि इसमें स्वाति ने अभी तक अपने को पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है आपको फर्नीचर परचेज्ड दिसंबर 12, फर्नीचर परचेज। तो इसमें देखो एक तो हो गया फर्नीचर, अब आप कहेंगे परचेज क्यों नहीं, फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स हमेशा अपने नेम से आती है। परचेज सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आएगा, परचेज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा गुड्स, उसके लिए सेल आएगा, उसके लिए परचेज आएगा, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न सब गुड्स के लिए होता है। जब आप एसेट्स परचेज करेंगे एसेट्स अपने नेम से होगी फर्नीचर, और दूसरा जब आप परचेज करेंगे तो जाएगा क्या कैश। तो दो आइटम हो गए, दोनों ही रियल अकाउंट हैं क्योंकि एसेट्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है। तो अपनी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड नेक्स्ट आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है दिसंबर 18, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति एंड डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। जब इन फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा आता है इट मीन्स बाद में कोई पेमेंट नहीं होगा, बाद में कोई पेमेंट नहीं होगा। यहाँ देखिए आपके स्वाति की सेल का अमाउंट था 5000, फर्नीचर जो आपने परचेज किया उसका अमाउंट था 3000। अब जो लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब है उसमें डिस्काउंट है। इसमें जो तीन चीज़ होगी आपकी, एक तो कैश, जब फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा आता है तो वहाँ डिस्काउंट आपने किया है, और तीसरा होगा स्वाति। अब कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, स्वाति पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल है, रियल का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ कैश आ रहा है। डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिट। एंड स्वाति पर्सनल अकाउंट है गिवर, इसलिए क्या होगी क्रेडिट। तो आपकी एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वातीज अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए स्वाति से आपने 5000 का गुड सेल किया था, स्वाति आपको 4000 भी पे कर रही है, तो कैश तो हो गया 4000 जबकि अपने को लेना था 5000, तो 1000 जो होगा वो डिस्काउंट होगा, 1000 क्या होगा डिस्काउंट। अब इसकी करेंगे टोटल, और वो जो टोटल आपकी होगी और यहां लिखा जाएगा टोटल CF कैरिड फॉरवर्ड जो नेक्स्ट पेज पे होगी। ये काम सिर्फ मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये चीज आपको सारी आपके दिमाग में सोच के और फिर लिखनी है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन खाली समझाने के लिए आपको इस टाइप से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज अपने दिमाग के अंदर सोच करके और फिर इसको लिखना होता है, ये चीज कहीं पे भी शो नहीं करनी आपको। इसके बाद जैसे जो नेक्स्ट एंट्री है अपनी 25th, आपको वही जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब उसमें डेट जो है आपकी 2017 दिसंबर जो भी है 25, यहाँ लिखा जाएगा टोटल CBF ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे के पेज की जो टोटल उसको आप आगे लेके आएंगे और यहाँ लिख देंगे 98,000। फिर 25 की डेट में जो आपको एंट्री दे रखी है लिखा है रेंट पेड, जब आप रेंट पे करेंगे तो रेंट क्या एक्सपेंसेस है और रेंट एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट, ये होगा रेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। और जब आप पे करेंगे तो जाएगा क्या कैश, तो कैश जाएगा तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। और यहाँ नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड, और ये जो दे रखा है आपको अमाउंट है 1,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,000 and 1,000। फिर है 30 सैलरी पेड, दिसंबर 30 सैलरी भी एक्सपेंसेस है, बिकॉज ऑफ सैलरी हम देंगे लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन है हम और हमारे यहाँ जो भी काम करेगा उसको सैलरी पे करेंगे, सैलरी लेने की इच्छा नहीं रखते हम। 2 कैश, जब भी आप पे करेंगे तो जाएगा क्या कैश, अब सैलरी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट, और कैश जब गोज आउट होगा रियल अकाउंट है क्रेडिट होगा। नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट दे रखा आपको 1500, आप वापस टोटल करेंगे और ये टोटल होगी फाइनली और वो आपकी हो जाएगी 1,05,000। इस टाइप से आपको जनरल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आप डाउट सॉल्विंग जो क्लास होती है उसमें आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।